नंबर 16, आज तुम्हारी सजा के 2 साल पूरे हो, तुम रिहा किए जाते हो। ये लॉकेट का पिन। मेरा लॉकेट? अरे हाँ, ये लो। आज तुम तीसरी बार जेल से रिहा किए जा रहे हो, क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम फिर यहाँ ना आओगे? जेलर साहब, मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती है कि यहाँ ना आऊँ, लेकिन क्या करूँ, एक तरफ मैं अकेला और दूसरी तरफ पुलिस का इतना बड़ा डिपार्टमेंट, मुझे आना ही पड़ता। अच्छा, आधा वर्ष। आधा वर्ष शेखर। आज तो चांदी ही चांदी है। दत्तेरी की फकत एक चवन्नी सू भी खोली। खैर जाने भी दो, कहो आपकी क्या लाए? आपकी बड़ी बढ़िया चीज लाए हूँ, बोलो क्या दोगे? देखे नहीं नहीं, तुम हमेशा बेईमानी करते हो, पहले दाम बताओ। अजीब चोंगा आदमी हो, बिना चीज देखे दाम कैसे बता सकते हैं? कुछ है भी या ऐसे ही है? क्यों नहीं, ये लो। ले गई सुसरी, खोटी चवन्नी थमाकर मार लेगी मेरी सोने की घड़ी। कहो कैसे आए, इस घड़ी का क्या दोगे? यही यही है मेरी सोने। दूर से बात करो, सीधी तरह दे दो, नहीं तो मैं पुलिस में जाता हूँ। हाँ खुशी से, झगड़ा करने से क्या फायदा, मुफ्त में पुलिस पकड़ लेगी। दे दो मेरी घड़ी। तुम्हारी या उस बूढ़े की? बूढ़े की तो तुमने देख लिया था। जी तो मेरे पास कैसे आ? आओ आधा आधा बांट ले। बड़े खूबसूरत हैं आप। अच्छा कुछ भी दे दो, 20, 10, जो तुम्हारी मर्जी। एक पैसा नहीं मिलेगा। मैं तो लेकर ही रहूंगा। अरे बांके क्यों शामत आई है, जानता ये कौन है? शेखर बाबू। अरे बाप रे, तो आप ही शेखर बाबू हैं? तभी नहीं तो मुझ पर हाथ साफ करना आसान काम नहीं है। बड़े अच्छे मिले। और आपकी तारीफ? ये है हमारे बांके बाबू, नंबर ही उचक के। अरे उचक का तो क्या, कभी कदा एक आध जेब काट लेता हूँ। हाँ तो शेखर बाबू, अब कहाँ हाथ मारने का इरादा है? अभी तक तो कुछ सोचा नहीं, तो आपकी नजर कहीं है क्या? हाँ, एक मोटा आसामी है, कल उसके यहाँ मैं नौकरी भी कर ली है। मौका देख के तिजोरी साफ करने की देर है, अगर आप मदद करें तो यूं काम बन जाए। हाँ हाँ शेखर बाबू करो श्री गणेश, सगुन अच्छा है। और तुम्हें रुपये की भी जरूरत है? हाँ रुपये की जरूरत तो है। अच्छी बात है बांके बाबू। तो बात पक्की रही, मिलाओ हाथ पार्टनर,
हाँ तो पार्टनर, अब घड़ी के 10 ही रुपये दिलवा दो। हाँ तो भाई कुछ रुपए दिलवा। बस इतना ही? फिर ले लेना। तुम बदमाश, हमारा पर्स ला। अरे मैम साहब, मेरे रुपए तो दिला दो। शराब चोर कहे कहा, हम तुमको पुलिस में देगा। आधा वर्जन इंस्पेक्टर साहब। कहो शेखर, तुम इस दुकान में कैसे आए थे? जी ऐसे। मालूम होता है तुमने अपना काम फिर शुरू कर दिया। जी नहीं, कुछ यही थोड़ा बहुत। तो क्या फिर तुम राह पर ना होगे? क्या करूं इंस्पेक्टर साहब, आदत से मजबूर। क्या तुम इन्हें जानते हो? जी कहीं देखा तो है। अरे मेरी घड़ी, हे भगवान। क्या हुआ? मेरी घड़ी कहीं गिर गई, सोने की थी। सोने की थी? जी। गिर गई या चोरी हो गई? पता नहीं, इसी जेब में तो थी। ओ, तो उसे आप यहाँ बेचने आए थे? जी। अब क्या होगा? ठहरिए शेखर, तुम चाहो तो इनकी मदद कर सकते हो, समझे? घड़ी आपकी थी या आपने कहीं से चुराई थी? तुम ठीक कहते हो बेटा, मेरी हालत ही ऐसी है, लेकिन घड़ी मेरी ही थी, मेरे अच्छे दिनों की आखिरी यादगार। सुनिए, घड़ी बेचने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? क्या करोगे जानकर? शायद कुछ मदद कर सकूं। मैं थिएटर जाना चाहता था। ये रानी आज पहली बार स्टेज पर गाएगी। इस उम्र में भी आपको ये शौक? तुम गलत समझ रहे हो, ये लड़की रानी, खैर जाने दो, क्या फायदा। देखिए आप मेरे साथ चलिएगा, मैं भी थिएटर जा रहा हूँ। सच? वाकई तुम मुझे ले चलोगे? हाँ चलिए। अरे आप चुप करो, उस आदमी को बॉक्स में दूरबीन लिए हुए देखते हो? हाँ जी हाँ, वो इस थिएटर का मालिक है, कहीं उसने मुझे देख लिया तो जेल भिजवा कर छोड़ेगा। लेकिन क्या बिगाड़ा आपने उसका? मैंने नहीं, सब कुछ उसी ने बिगाड़ा है मेरा। तो फिर आप क्यों डर रहे? क्या बताऊं, सब किस्मत के फेर है बेटा। एक दिन यही मेरे पास नौकर था, आज मैं इसका कर्जदार, इसे छुपा छुपा फिरता हूं। हिंदुस्तान हमारा है, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज
चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है, आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो। चलिएगा नहीं? क्या हुआ, आप रो क्यों रहे? रानी की हालत देखकर दिल भरा है। बेचारी एक कोने में खड़ी गा रही थी। एक दिन था, उसके नन्ने नन्ने पांव सारे स्टेज को हिला देते थे। अच्छा, वो नाचती भी थी बेचारी, लेकिन उसके पैर कैसे खराब हो गए? उसके बाप की बेवकूफी से। वो इस थिएटर का मालिक था। जिस दिन उसके हाथ से जाने लगा, तब उसने अपना हंग हलक करने के लिए खूब शराब पी ली। रानी को आखिरी बार स्टेज पर उतारा, खुद पखवाज लेकर बैठ गया। बाप न थका, नशे में चूर शराबी से किसी बात का होश न रहा। रानी बिचारी नन्ही सी जान कच्ची टहनी की तरह जमीन पर आ रही। उसके पैर को लकवा मार गया था, तब से उसकी यही हालत है बेचारी। आप रानी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। मालूम होता आप उसके पिता हैं। चलिए अच्छा आदाब आदाब बेटा। क्या है? कुछ रुपये चाहिए थे। कितने? यही एक बोतल शराब के लिए। तो आप रंग गलत करना चाहते हैं? हाँ बेटा, लीजिए। अगर एक बोतल में नशा ना आए तो दो बोतल पी लीजिए। बेटा ये गजरा उस लड़की रानी को दे देना। क्या कहूँगा उनसे? कुछ नहीं कुछ नहीं। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। बच्चे भगा भगा भगा। बाल बाल बच गई आप। जी बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप ना होते तो मैं गाड़ी के नीचे आ गई होती। लेकिन इस भीड़ में आप क्यों आ रही थी जब आपका पैर खराब? पिताजी से मिलने। कहाँ गए वो? मालूम नहीं। ओ,
अभी आप पिताजी को रुपए दे रहे थे, मालूम होता है आप उनके दोस्त हैं। जी हाँ, क्यों? अगर पिताजी आपको फिर मिले तो उनसे कहिएगा कि मैं उनको मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ। अगर मिले तो जरूर कह दूंगा। अच्छा पंडित जी, अभी अभी बाबूजी को यहाँ देखा। सच? कहाँ गए? मैंने उन्हें बहुत बुलाया लेकिन वो चले गए। मेरी जान भी चली जाती अगर एक साहब न बचाते। अच्छा जी, हार किसी ने निकाल लिया? हार निकाल लिया? जाओ जाओ जल्दी क्लास करो। जनाब कहाँ भाग रहे हैं? चलिए हार निकालिए। क्या सबन संभाल कर बात करो, पहले इधर चलो। छोड़ो हाथ, चलता हूँ। ये साहब भाग रहे थे, तलाशी लो इनकी। और भी तलाशी लीजिएगा। जी नहीं, माफ कीजिएगा, गलती हुई। खैर माफ किया, लेकिन फिर कभी ऐसी गलती ना हो। सवारी किधर ले गया? जी जवाहर पार्क। मुझे भी ले चलो।
दीदी। जी। ओह, मैं तो बिल्कुल डर गई थी। कौन है? वही बाबूजी के दोस्त, मैंने कहा था ना। इतनी रात को कैसे आए आप? हम लोगों को जगाया भी नहीं। जी, क्या बताऊं? दरवाजा खोलिए। सुनते हैं? कौन? पता नहीं। खोलिए, जल्दी खोलिए। जरा देखिए ना। जी? देखिए ना कौन है। कहिए, क्या काम है? आपकी यहाँ चोर घुसा है। यही तो है। हाँ। जी, ठीक तरह बात करो। क्या बकता है? क्या बात है? आप इस आदमी को जानती हैं? ये आदमी आपके मकान के पीछे से चोरी चोरी घुस रहा था। चोरी चोरी घुस रहा था? ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, ये आदमी चोर मालूम होता है। आप चोर? सर फिर गया है आप लोगों का? जाइए यहाँ से। अजीब आदमी है, इन्हें इतनी भी तमीज नहीं कौन शरीफ है और कौन चोर। जी हाँ, देखिए ना। अच्छा, माफ कीजिएगा, आपको बहुत तकलीफ। लेकिन अरे, आपके पैर में क्या हुआ? कुछ नहीं, यही जरा मोच आ गई। मोच आ गई? देखो। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं लीला, जरा दौड़ के मांझी के कमरे से वो दवा तो ले आ। रहने दीजिए, दवा की क्या जरूरत? नहीं, आप नहीं जानते, जरा सी देर में तकलीफ बढ़ जाएगी। आइए यहाँ बैठिए, आइए ना। अरे, आप तो बिल्कुल भीग गए हैं। कोट उतार दीजिए। कोट? कोट तो मैं पहने ही रहूं, वरना ठंड लग जाएगी। जी, भीगा हुआ कोट पहने रहेंगे तो नमूनिया ना हो जाएगा। उतार दीजिए ना। लाइए। मेरे पास ही रहने दीजिए। लाइए ना, मैं सूखने डाल दूं। ये लो। लाइए, मुझे दीजिए। आप बैठे रहिए, मैं लगा देती हूँ। यहाँ? जी यहाँ। हाँ, ये बताना तो आप भूल ही गए कि कैसे आए थे। आप सुनकर खुश ना होंगी। क्यों, ऐसी क्या बात? समझ लीजिए, मैं चोरी करने आया था। चोरी करने? आप? हमारे यहाँ ऐसा है क्या जो कोई चोरी करने आएगा? आप यकीन नहीं करती? कैसे यकीन करूं? आप इतने नेक, इतने दयावान हैं, आप तो ऐसी बात सोच भी नहीं सकते। आप न जाने मुझे क्या समझ बैठी। आप जो हैं वही बताइए ना, कैसे तकलीफ की? क्या कोई जरूरी काम था? जी हाँ, काम तो जरूरी था। बहुत तकलीफ हो रही है? जी, बस कीजिए। कोट मैं पहनी लूं, सर्दी लग रही है। सर्दी लग रही? ठहरिए, मैं आपके ओढ़ने के लिए कुछ लाती हूँ। ये कहाँ से है लीला? ये नरगिस का गजरा क्या तू लाई थी? नहीं तो दीदी, नरगिस का गजरा। ओ, समझे। मैं जान गई कैसे आए थे आप। क्या, ये कैसे जान गई आप? ये गजरा कौन लाया? ओ, ये गजरा, ये गजरा दरअसल आपके पिताजी आपको देने के लिए लाए। तो पिताजी यहाँ आए थे? जी। आप पिताजी के साथ आए थे ना? जी हाँ, जी हाँ, आपके पिताजी मुझे यहाँ ले आए थे। ओह, पिताजी यहाँ आए और हम उनसे मिल भी ना सके, आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? जी, यही तो मुसीबत हुई। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो ना माने, यहाँ तक कि उन्हें रोकने के लिए उनके पीछे दौड़ा भी, लेकिन अंधेरे में गिर पड़ा और वो चले गए। तभी आप कुछ बतलाना नहीं चाहते थे। जी, मैंने कहा था ना, आप सुनकर खुश न होंगी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया,
अब मैं चलता हूं। मैं कह रही थी रात को आप यहीं रह जाइए ना, शायद पिताजी आपको ढूंढने चले आए। ये मैंने समझता कि अब रात को वो फिर आएंगे। लेकिन ठहरने में आपका क्या हर्ज है, मुमकिन है वो आ ही जाए। और फिर आपका पैर भी तो ठीक नहीं, इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे आप, यहीं सो जाइए ना। यहीं सो जाओ। हाँ हाँ, अच्छा अब आप सो जाइए। अच्छी बात है। जा अपने बिस्तर पर, मुझे तो डर लग रहा है दीदी। डर का क्या, तुझे चोर उठा के ले जाएगा? मुझे नहीं, कहीं मेरी दीदी को ना ले जाए। कहाँ दीदी, मुझे तो नींद नहीं आ रही, मैं अभी बुलाती हूँ। रानी कहाँ है? अंदर। जरा बुला लीजिए, कहिए मैनेजर साहब आए हैं। किस काम से आए हैं? ये उसे मालूम है। मैं भी तो सुनूं। ये मकान देखते हैं? जी हाँ। ये सारा मकान मेरे साहब के पास रहन है, मैं इसका ब्याज लेने आया हूँ, समझे? गए नहीं आप? लेकिन इतनी सुबह सुबह आप ये शुभ काम करने क्यों चले आए? मेरे ख्याल से इस वक्त आप तशरीफ ले जाइए। क्या कहा? नमस्ते मैनेजर साहब। गुड मॉर्निंग। आइए आप चाय पीजिए। हाँ रानी, आज 10 तारीख हो गई, ब्याज का रुपया दो। रुपए का इंतजाम तो मैं अभी तक नहीं कर सकी। ये मैं कुछ नहीं जानता,
साहब ने कह दिया है अब की मरतबा रुपए न मिले तो मकान नीलाम करवा देना। नहीं नहीं मैनेजर साहब, कुछ दिन और ठहर जाइए, मैं रुपया जरूर अदा कर दूंगी, चाहे मुझे मकान की चीजें ही बेचनी पड़े। अब तुम्हारी यहाँ रहाई क्या है सिवाय एक पुराने पियानो की, और वो भी तुम बेचना नहीं चाहती क्योंकि वो तुम्हारे पिताजी की बड़ी प्यारी चीज है। जी, अगर कोई उपाय न हुआ तो वो भी बेच डालूंगी। अच्छी बात है, मैं अपनी जिम्मेदारी पर 7 दिन की मोहलत देता हूँ। हाँ देखो, पियानो बेचना हो तो मुझे जरूर बताना। अरे आपने अभी तक चाय नहीं पी। पीता हूँ। ये आदमी तो बड़ा बदतमीज है, ठीक तरह बात करना भी नहीं जानता। जी, ये लोग दूसरों की मजबूरी देखकर और भी बदतमीज बन जाते हैं। कल तक हम पैसे वाले थे तो यही लोग हमसे अच्छा बर्ताव करते थे। क्या सोच रहे हैं आप? यही कितनी मुसीबतों का सामना आप कैसे करती हैं? ओह, हम तो इन बातों के आदि से हो गए। मकान आप किराए पर देती? जी हाँ, यही एक सहारा था, लेकिन अब तो वो भी बहुत दिनों से खाली पड़ा है। देखिए, मुझे रहने के लिए एक मकान की जरूरत थी, अगर आप कहें तो मैं यहीं रहने चला हूँ। आप यहाँ रहेंगे? जी हाँ, बात है कि जिस होटल में मैं रहता हूँ वो बहुत ही खराब है। लेकिन आपको ये मकान पसंद आएगा? अजी क्यों नहीं, मेरे होटल से तो ये मकान कहीं अच्छा है, अगर आपको कोई इतराज ना हो। इतराज? ये क्या कह रहे हैं आप, मुझे तो बहुत खुशी होगी। लीला, अब आप हमारे मकान में रहेंगे, सच दीदी? हाँ। अच्छा, तो शाम तक मैं अपना स्टॉप ले आऊंगा। मेरा कोट तो जरा मंगवा दीजिए। अरे हाँ लीला, जरा दौड़कर आपका कोट तो ले दिया। जमाना जमाना, इंद्रमहल थिएटर के सामने हार की चोरी, चोर लापता, एक आना सिर्फ एक आना, हिटलर का हवाई हमला बेकार, आजाद हिंद के संपादक गिरफ्तार, एक आना सिर्फ एक आना। हाँ हाँ मेरी सरकार, आज तो जरूर आएंगे, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने तो। कहो ये मेरी सरकार कौन, कोई नई चिड़िया फंस रखी? हाँ एक कबूतरी है, उड़ते उड़ते हाथ लग गई। मालूम होता दाने की जगह शेर चुगा करती। हाँ भाई, बर्बाद कर दिया जालिम ने, मैं तो लूट गया। चलो तुम्हें लूटने वाला भी तो कोई मिला। ये देखा। अच्छा तो तुम ही थे, मैं भी सोच रहा था कि भला खुले आम बीच सड़क एक औरत के गले से हार उतार लेने का कलेजा किसमें। हाँ तो बताओ क्या दाम लगाते भाई? हार तो कीमती है लेकिन इसे बेचना जोखिम का काम है, ग्राहक फंसाना पड़ेगा। अच्छी बात है, कोई जल्दी नहीं। जय गोपाल जी की शान। जय गोपाल जी की सेठ साहब। मारे को तो एक हार चाहिए जी। कैसा हार सेठ साहब? जरा बढ़िया किस्म का, ये रजवा रजवा हीरे का, पन्ने का, मोती का। हाँ, मोती का। मोती का तो वो हार दिखाओ सेठ साहब की तबीयत खुश हो जाए। हाँ चाँ, हाँ चाँ। ये लीजिए सेठ जी। ये तो मारे नहीं जी, जी। ये देखिए और ये। अरे ये तो सब नकली माल है जी। सेठ जी तो असली माल की तलाश में है। हाँ साहब, हाँ साहब। सेठ जी सिगरेट कीजिए। ना साहब, ना साहब। सेठ जी को तो सिगार पसंद है। जय गोपाल जी के इंस्पेक्टर साहब। जय गोपाल जी की शेखर। आदाबर सर। अलावर सर, तशरीफ लाइए। नमस्ते। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। कहो मोन, अच्छे तो हो? जी हाँ। यहाँ नहीं, आप इधर तशरीफ लाइए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हार का कुछ पता चला? जी अभी तक तो कुछ नहीं, लेकिन छानबीन हो रही है। मैं उसी हार के बारे में आपसे कुछ दरियाफ्त करने आया। आप पहले चाय तो पी लीजिए।
क्या कोई और साहब आने वाले हैं? जी नहीं तो? उस प्लेट को देखकर मेरा ऐसा ख्याल हुआ। जी वो तो हमेशा लगा दी जाती है। किसके लिए? किसी के लिए नहीं, ऐसे ही मेरा खत समझिए। ये बिल्ली यहां कैसे आ गई? माफ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी आया। क्या हुआ? प्लेट के गिर जाने से इंद्रजीत बाबू नाश्ता छोड़ के चले गए। जी हाँ, बात ही ऐसी है। मालूम होता है इस प्लेट के पीछे कोई दर्द भरी कहानी है। आप भी उदास हो गई। क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब, आप शायद इसमें हमारी मदद कर सके। हाँ हाँ, कहिए क्या बात है? आप जानते ही हैं कि मैं मोहन की सौतेली माँ हूँ। मोहन का एक बड़ा भाई भी था मदन, वो लड़कपन में ही घर छोड़कर चला गया। घर छोड़कर चला गया, क्यों? एक दिन की बात है। मोहन, अभी तक मदन नहीं आया? मैं मार के कर रहा हूँ। चलो सीधी तरह अपने बाबूजी के पास। क्या है? देखिए साहब, आपके लड़के ने मेरे रामू का सर फोड़ डाला। क्यों बे? तो अपने आदतों से बाज नहीं आएगा? इसने मुझे गाली क्यों दी? गाली कहाँ दी? ये इन्होंने हाथ में गुदना गुदा, तो हमने कहा तुम शरीफ नहीं हो। गुदना गुदा? मदन, क्यों बे, तुझे मना कर दिया था फिर भी नहीं माना? जाने दीजिए, बच्चा है। फिर कभी मारपीट की तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। जान दे। दो। अरे ये कपड़े कहाँ फाड़ डाले? कहीं नहीं बेटा, पहले मुंह हाथ धो ले, फिर कपड़े बदल कर खाना खाइयो। नहीं, मैं कपड़े नहीं बदलूंगा। लाओ खाना। कैसा लड़का है, माँ का कहना नहीं मानता। तुम मेरी माँ नहीं हो। फिर वही बात। हाँ हाँ हाँ, तुम मेरी माँ नहीं हो। तो फिर कौन है तेरी माँ? यह है। क्यों बे, अब क्या शोर मचा रहा है? दादा माँ से कहते हैं तुम मेरी माँ नहीं हो। हैं? फिर कहा ये तेरी माँ नहीं है? हाँ, ये मेरी माँ नहीं है। क्या है तेरी माँ है? क्या बोल? नहीं कहूंगा। नहीं कहेगा? अरे अरे, क्या मार डालिया ना? तुम्हारे लाड़ने से बिगाड़ रखा है, अगर माँ ने कहेगा तो निकल जाएगा। पर्ची थाली से उठा दिया, बुलाइए उसे। जाने दो, भूख लगेगी तो आप आ जाएगा। बता मदन! लेकिन वो फिर न लौटा। उसकी पड़ोसी में थाली वैसी की वैसी रखी रही। उसे हर तरफ ढूंढा लेकिन वो न मिला। इनके दिल को इतना धक्का लगा कि ये महीनों बीमार रहे और आखिर में उस शहर को छोड़कर यहाँ चले आए। तब से उसके लिए एक थाली परोस दी जाती है। इनका ख्याल है कि एक न एक दिन वो जरूर लौटेगा। बहुत अरसा हो गया, फिर भी देखिए शायद मिल जाए। अच्छा, मैं जरा इंद्रजीत बाबू से मिलूं।
शेखर बाबू खाना नहीं खाइएगा जी? नहीं, मैं कब से आपकी राह देख रही थी, थोड़ा सा खा लीजिए ना। रात बहुत हो गई और मुझे भूख भी नहीं। इतनी रात को लौटते हैं आप, भूख रहे तो कैसे, आखिर इतनी देर तक बाहर क्यों रहते हैं? क्यों, आपको मेरा इतनी रात तक बाहर रहना पसंद नहीं? जी नहीं। लेकिन क्या करूं, मेरा काम ही ऐसा है। ऐसा काम आप छोड़ नहीं सकते जी? काम छोड़ना तो मुश्किल है, कल मैं आपका मकान छोड़ दूंगा। क्या? नहीं निगरानी। हाँ, आज 7 दिन हो गए, किया रुपयों का इंतजाम? जी नहीं। मैं पहले ही जानता था, तो फिर पियानो बेच रही हो ना? लो ये 50 रुपए नकद। 50 रुपए? और नहीं तो क्या 500 रुपए मिलेंगे, और वो भी इस टूटे फूटे पियानो पर? जिसके सुर भी तो ठीक नहीं है। मुझे नहीं बेचना है मैनेजर साहब। क्यों? बेचने से क्या फायदा, 50 रुपए से तो मकान का ब्याज भी अदा ना होगा। अच्छा 100 रुपए ले लो, बाकी के लिए मैं मोहलत दिलवा दूंगा। बोलो, हो राजी? जी, अगर बेचना ही है तो बाहर क्यों ना बेचूं? 400-500 से कम क्या मिलेगा? अच्छी बात है, तुम पियानो बेचती रहो और मैं मकान बिकवाता हूँ। साहब ने तो कह ही दिया है कि आज ही मकान नीलाम कराने की दरख्वास्त दे दी जाए। ऐसा न कीजिए मैनेजर साहब, अब ये मकान ही हमारा सहारा है, ये भी नीलाम हो गया तो हम लोग कहीं के न रहेंगे। 2-4 दिन और ठहर जाइए। गैर मुमकिन, मैं चला कचहरी। माफ कीजिए, चोट तो नहीं लगी? नो नो, बाल बाल बच गए साहब, वरना चारों खाने चित नजर आते। यस यस। थैंक यू। थैंक यू, टाटा। बहुत पढ़ाई हो रही है, मालूम होता इम्तिहान नजदीक आ गया। जी जी हाँ। क्या पढ़ रही है? हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास में गाने लिखे रहते? जी नहीं, वो तो यूं ही दिल बहलाने के लिए। लीला, क्या है? जी कुछ नहीं, चिड़िया उड़ा रही थी। बहुत देर क्या आई हो लीला? क्या करूं, आज देर हो ही गई। क्या पढ़ रही हो? ओह हिस्ट्री। कल मैं तुम्हारे मास्टर साहब के पास गया था, उन्होंने कहा है इम्तिहान में पानीपत की तीसरी लड़ाई आ रही है। चने अकेली ही अकेली खाओगी, मुझे ना दोगी? नहीं, मुझसे बात तक करने की फुर्सत नहीं। ऐसा क्या पढ़ रही है? पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई, लाओ इधर। हाँ बताओ, बोटिंग का चलती है या नहीं? पहले तुम बताओ, तुमने बाबूजी से ब्याह के बारे में बात किया नहीं? नहीं नहीं।
देखो लीला, तुम तो जानती ही हो बाबूजी से कहने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है। लेकिन इस तरह चोरी छुपे हम कब तक मिलते रहेंगे? अगर हमारा ब्याह जल्दी न हुआ तो बहुत बुरा होगा। मैं कहती हूँ तुम हिम्मत करके बाबूजी से जाकर अभी कहो, जाते हो कि नहीं? अच्छा हाँ लीला, बाबूजी से किस तरह बात छेड़ू? यूं ही उनके सामने मुंह बना के खड़े हो जाना, पूछेंगे क्या है मोहन, तो तुम कहना बाबूजी मैं लीला के साथ ब्याह करना चाहता हूँ, बस। हाँ ठीक है। मोहन क्या अभी तक चिड़िया उड़ा रही? जी नहीं। कहीं क्या ढूंढ रहा? मेरा पर्स कहीं गिर गया है। आपको तो कहीं नहीं मिला? मुझे नहीं तो कुछ और पता चला उसमें। यस यस, मेरी सारी पूंजी थी उसमें। बड़ा अफसोस है, जल्दी ढूंढिए वरना कोई मार न दे। हैं? यहाँ क्या कर रहा है? कुछ तो नहीं, मकड़ी का जाला साफ कर रहा हूँ। साहब तिजोरी साफ कर देना। क्या कहीं मकड़ी ने अंदर जाला ना लगा दिया हो? बेवकूफ कहीं का, जाए से देख, मैनेजर को भेज दे। मोहन ये रुपए अपनी माँ को दे। अच्छा कुछ कहना चाहते हो? जी जी नहीं। यस सर। क्यों कहाँ गायब हो जाते हो? लो रुपए, इनको रसीद बना दो। यस सर। कैसी रसीद? रानी ने रुपए भेजा है। रानी ने? जी हाँ हाँ, खड़े खड़े मुंह क्या देखते हो, जाओ जल्दी रसीद बना दो। यस सर। चलिए बाके, उस आदमी को जानता है? नहीं तो साहब, आप कहें तो पता लगाऊं। नहीं जी। ये लीजिए। शुक्रिया। हाँ आपको पर्स मिल गया? मिला तो नहीं, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ किसने उड़ाया। तो आप उसे वसूल क्यों नहीं कर लेते? कर ही लूंगा, अगर सूद ब्याज समेत न वसूल किया तो मेरा नाम पहलवान सिंह नहीं। जी मगर ये नाम कुछ आप पर फपता नहीं, इसे बदल ही डालिए। नमस्ते। अब तेरे सिवा, अब तेरे सिवा कौन मेरा कृष्ण कन्हैया, भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया। अब तेरे सिवा, अब तेरे सिवा कौन मेरा कृष्ण कन्हैया, भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया। अब तेरे सिवा मेरी खुशी की दुनिया बाबुल ने छीन ली, मेरे सुखों की कलियां किस्मत ने बीन ली। मेरी खुशी की दुनिया बाबुल ने छीन ली, मेरे सुखों की कलियां किस्मत ने बीन ली। अब तू ही बचा लाज मेरी बंसी बजैया, भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया। अब तेरे सिवा श्याम सलोने तुझे मेरा पुकारते, वो श्याम
कन्हैया कहती है बार बार वो ले लेके बनैया भगवान 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 किनारे से लगा दे मेरी नैया अब तेरे सिवा कौन मेरा कृष्ण कन्हैया भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया अब तेरे सिवा भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया आप हैं खड़ी क्या है ये रसीद क्या आप रखा है देखो आप भगवान पर विश्वास करती हैं ना जी हाँ अभी आप पूजा कर रही थी मेरा ख्याल है भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली जी आज अगर आप न होते तो ना जाने हमारा क्या हाल होता अरे आप रो रही हैं मैं आपका उपकार कभी ना भूलूंगी आप आदमी नहीं देवता हैं मैं देवता मैं तो बिल्कुल एक मामूली आदमी हूँ जिसमें सिवाय बुराइयों का कुछ भी नहीं चलिए बोल डाली हाँ ये एक सहारा था वो भी टूट गया कोई बात नहीं और आ जाएगा हाँ लेकिन इसके बिना तो मेरा चलना ही मुश्किल है आइए आप मेरे सहारे चलिए मैं आपको नीचे पहुंचा देता हूँ एक बात पूछूं कहिए आप यहाँ से चले तो ना जाइएगा क्यों मेरे चले जाने से आपको दुख होगा नहीं जाइएगा ना लेकिन मेरे चले जाने में आपकी भलाई है इसलिए सोचता हूँ यहाँ से चला जाऊँ नहीं नहीं आप नहीं जाइए रानी रानी अच्छा मैं नहीं जाऊंगा मैं वादा करता हूँ देखो तो ये तस्वीर किसकी मेरी अच्छा लेकिन इसमें तो सिर्फ हारिया नजर आ रहा आपका हाथ तो बहुत खूबसूरत है मोती का है ना जी ये हार मुझे बाबूजी ने दिया था जब मैं पहली दफा स्टेज पर उतरी थी अच्छा लेकिन ये हार आप कोई पहनती नहीं कुछ दिन हुए इसे बेच डालना पड़ा लेकिन ऐसा ये हार मैंने कहीं देखा क्या सोच रहे हैं आप कुछ नहीं चलिए सिगार तो बहुत अच्छा है बांके बाबू मालूम होता है किसे मार दिया है और क्या बांके बाबू खरीदते ही कौन सी चीज है लो एक और रख लो सुबह काम आएगा हाँ तो कहो ये दुकान बेचते हो पहले माल तो हाथ लगे अरे वो तो लगा ही समझो बस शेखर बाबू के तिजोरी खोलने की देर है फिर कल से देख लेना हमारे ठाट मोटर में बैठ के आएंगे तुम्हारे यहाँ तुम्हें भी सैर करा देंगे लेकिन मैं तो अकेले कहीं जाता नहीं मेरी सरकार भी होंगी साथ हाँ हाँ तुम अपनी सरकार को साथ ले लेना कहो पार्टनर आज बड़े खुश नजर आ रहे खूब आए पार्टनर तुम्हें ढूंढते ढूंढते आज ही जा गए क्या बात वो तिजोरी के ताले का नंबर मिल गया मैदान साफ है चलो आज ही रात को फैसला हो जाए और फिर माली माल ये बात लेकिन ऐसे जल्दी क्या पार्टनर सुख काम में देर नहीं करनी चाहिए
कहा है काल करे सो आज करे सो अब। ठीक है पार्टनर, लेकिन आज रात को रहने दो। क्यों शेखर बाबू, आज पहली दफा तुम्हें हिचकते हुए देख रहा हूँ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आज कुछ तबीयत नहीं करती। कुछ छिपा रहे हो, बताना क्या बात है। कुछ भी नहीं। कुछ नहीं कैसे, हम सब समझते हैं। हमने पहले ही बता दिया था कि भोली भाली शक्ल के चक्कर में न पड़ो। उस लड़की रानी ने तुम पर टोना कर दिया है, टोना। शायद तुम ठीक कहते हो पार्टनर। ओह ओह शेखर बाबू, तो तुमने भी एक चिड़िया फांस ली, क्या वक्त हो। अच्छा, तो मामला इतना संगीन हो गया कि सरकार उसके बारे में बात तक नहीं करना चाहते। जी हाँ। ओ तो सरकार इधर कैसे आना हुआ। हाँ वो हार मुझे वापस चाहिए। हार, हार वापस चाहिए, वो तो मैं अपने सरकार के गले में डाल चुका। अच्छा जी, तो मैं सरकार गले से उतारे लाता हूँ। अरे ठहरो ठहरो, हार तो मेरे ही पास है, दाम ले लो। कितने चाहिए, 200 रुपये? मुझे रुपये नहीं चाहिए। अरे भाई 300 ले लो, अगर इससे ज्यादा कहीं मिले तो मैं नाक कटवा लूं। मुझे रुपया नहीं, हार चाहिए, हार, जल्दी निकालो। अच्छी बात। देखो पार्टनर, तुम रानी के लिए मुझे भी मतदार में नहीं डूबो सकते। नहीं नहीं, तुम नहीं डूबोगे। मैं कहता हूँ तुम दूसरा पार्टनर क्यों नहीं ढूंढ लेते। पागल हो गए हो क्या? देखो अगर हमारी बात ना मानोगे तो रानी के आगे तुम्हारी कलाई खोल देंगे और फिर तुम्हारे ये सपने मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी में। तुम ऐसा नहीं कर सकोगे पार्टनर। तो फिर हम क्या करें, तुम्हारे लिए कब तक बैठे रहें? जब तक मेरे सपने मिट्टी में ना मिल जाएं। ये लो। शुक्रिया। अच्छी बात है, लेकिन याद रखना हमेशा तुम्हारा काम पड़ता है। कोशिश करूंगा आगे तुमसे काम ना पड़े। हाँ अब मेरी दुकान में पाव ना रखना। कहो बाके, दुकान खरीदते हो? अब क्या खरीदा अपना सर? बादल धीरे हारे, बादल धीरे धीरे जा, मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल न मचा, धीरे धीरे। रात धुंधली हो गई है, सारी दुनिया सो गई है, रात धुंधली हो गई है, सर हिला के कह रहे हैं फूल क्यारी में सो गई, सो गई, सो गई, सो गई लैला किसी की इंतजारी में, सो गई लैला किसी की इंतजारी में, मेरी लैला को बादल तू नजर न लगा, तू नजर न लगा, ओ बादल तू नजर न लगा, मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल न मचा, धीरे धीरे। ओ गाने वाले धीरे गाना, गीत तू अपना क्यों, अरे टूट जाएगा किसी की आँख का सपना, टूट जाएगा किसी की आँख का सपना, चुपके चुपके कह रहा है, चुपके चुपके कह रहा है, मुझसे मेरा दिल आ गई, देखो मुसाफिर प्यार की मंजिल, मुसाफिर प्यार की मंजिल।
तुम कहोगे प्यार, मैं कहूँ हाँ, मैं कहूँ दो दिल मिले हैं, हिल गया संसार। जाइए रानी देवी, सवेरा हो गया, उठिए उठिए, बाकी का सपना कल देखिएगा। जागे हुए को कौन जगा सकता है। फिर सो गई। ये हार तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, कहाँ से मिला? मालूम नहीं, मैं आपका इंतजार करते करते सो गई थी, किसी ने आके पहना दिया। ओ, फिर नींद कैसे टूटी, किसी के गाने से? नहीं, मैं एक बड़ा अच्छा सपना देख रही थी, सपने में ही गिर पड़ी और नींद टूट गई। अच्छा, क्या सपना देख रही थी? यही कि मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ, हे भगवान मेरा पैर अच्छा कर दो। फिर क्या हुआ? फिर जब मैं भगवान के गले में माला पहनाने गई तो देखा माला किसी और के गले में पहना दी है। किसके गले में? जिसने मुझे मोतियों का हार पहनाया है। ओ, तो फिर उन्होंने वरदान क्या दिया? उन्होंने कहा रानी जाओ, आज से तुम्हारा पैर बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। सपना तो बड़ा प्यारा था। जी रानी, कि सचमुच तुम्हारे पर इतना खराब है कि अच्छा नहीं हो सकता? हाँ, डॉक्टर ने तो यही बताया था। वो सब बेवकूफ थे, मैं कल ही किसी अच्छे डॉक्टर से मिलूंगा, तुम्हारा सपना कभी झूठ नहीं हो सकता। ऐसे सपने तो मैं रोज देखा करती हूँ। लेकिन मेरे वरदान तो रोज नहीं मिला करते। जी ओ आई सी, इन्फेंटाइल पैरालिसिस का केस मालूम होता है और कुछ हो ही नहीं सकता। तो डॉक्टर साहब आप अच्छा कर सकते हैं। देखिए मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी, मेडिकल साइंस का कहना है कि ऐसे मर्ज लाइलाज से होते हैं। हेलो डॉक्टर मेहता एक्सरे की सलाह देते हैं, बेवकूफ है, एक्सरे की कोई जरूरत नहीं, मैं भला मेडिकल साइंस के खिलाफ कैसे जा सकता हूं। नेक्स्ट पेशेंट। आपके हमें बड़ी उम्मीदें लेकर आया था। मैं ईश्वर तो हूं नहीं, ऐसी मरीज की उम्र क्या है? यही कोई 18-19 साल। 18-19 साल, तुमने पहले क्यों नहीं बतलाया? ऐसी अब तो कुछ उम्मीद हो सकती है। डॉक्टर साहब आप ठीक कहते हैं, उम्मीद हो सकती है। हाँ हो सकती है, और वो भी एक लंबे इलाज के बाद। ऑपरेशन करना होगा, बिजली का इलाज होगा, और भी दूसरे तरह के इलाज होंगे। जी हाँ, इतने बड़े मर्ज का इतना बड़ा इलाज तो होगा ही। हाँ तो डॉक्टर साहब, इन सब में खर्च कितना होगा? ये सब मरीज देखकर बतलाया जा सकता है, मेरा ख्याल है करीब 1,500 रुपया। 1,500 रुपये? ऐसी क्यों? कुछ नहीं, तो मैं लड़के को 2 दिन में ले आऊंगा। आई सी। नेक्स्ट। तो हार पसंद नहीं आए? क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं? क्यों ही जरा सोच में पड़ा हूं। क्या बात है बताइए ना। रानी, तुम्हारे एक साथी अब तुमसे हमेशा के लिए बिछड़ने वाला है। हा? कौन? क्या आप चले जाएंगे यहां से? मैं नहीं रानी। फिर कौन? ये मार्श। ओ, आपने तो मुझे बिल्कुल डरा दिया था। रानी, अभी मैं एक बहुत बड़े डॉक्टर से मिलके आ रहा हूँ, उसने कहा है वो तुम्हारा पैर बिल्कुल अच्छा कर देगा। सच? मेरा पैर अच्छा हो जाएगा? हाँ। मैं चल सकूंगी, मैं नाच सकूंगी। रानी, ओ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा पैर अच्छा हो जाएगा। अब मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात पर विश्वास है ना? दीदी
बहुत खुश हो आज? हाँ लीला, शेखर बाबू ने कैसे डॉक्टर का पता चलाया है जो कहता है मेरा पैर बिल्कुल ठीक कर देगा। सच? ओह, अरे ये हार यहाँ पड़ा है, आ पहना दो। नहीं, शेखर बाबू ने कहा है चिटर विटर पहन के ना जाना। क्यों? कहीं चोरी ना चला जाए। वाह, मैं तो पहनाऊंगी। कल कहेंगे तुम बाहर न निकलना, कहीं तुम्हें कोई चुरा कर न ले जाए। देखो तो कितनी अच्छी लग रही हो, कहो तो शेखर बाबू को बुला ना। चल रानी बिटिया, चलो जल्दी, देर हो रही है। आई पंडित जी। अरे लीला, शेखर बाबू को चाय देना ना भूलना। न भूलूंगी। शेखर बाबू चाय पी लीजिए। ओहो, आज तो बड़ी अच्छी अच्छी मिठाई बनाकर लाई हो। जी हाँ, दीदी कह गई थी इसलिए ले आई। वैसे ना लाती? क्यों नाराज हो मुझसे? होने की बात ही है, दीदी के लिए आप मोती के हार ले आए और मेरे लिए पत्थर की अंगूठी भी नहीं। तो तुम्हारी दीदी ने तुम्हें सब बता दिया? जी। अच्छा शेखर बाबू, क्या आपने दीदी को सचमुच मना कर दिया कि वो हार पहनकर थिएटर न जाए? हाँ यूं ही, कीमती हार है, कहीं चोरी न चला जाए। चोरी के डर के मारे कोई गहने ही न पहने। मैंने तो आज उन्हें जबरदस्ती हार पहना कर भेज दिया है। क्या वो हार पहन के थिएटर गई? जी। क्या हुआ? कुछ नहीं, एक जरूरी काम याद आ गया। चाय तो पी लीजिए। अभी नहीं। That's it. हेलो हेलो इंस्पेक्टर साहब, उस हार का पता चल गया जी, आप फौरन आइए। अच्छा, रानी, इंस्पेक्टर साहब ये वही हार। कौन सा हार? ये हार तुम्हें कहां से मिला? क्यों? मैं जो कुछ पूछूं उसका ठीक जवाब दो। कहीं से भी मिला? आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैंने कहीं से चुराया हो। तुमने नहीं चुराया हो, लेकिन है ये माल चोरी का। चोरी का? नामुमकिन। नामुमकिन क्या? ये मेरी बीवी का हार है जो कुछ दिन हुए इसी थिएटर में चोरी हो गया था। आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये वही हार है? तो क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? आप इसे अच्छी तरह पहचानते हैं, ये आप ही का हार है? हाँ, अच्छी तरह पहचानता हूँ, ये मेरी बीवी का हार है। नहीं नहीं, चोरी का हार उनके पास कहाँ से आया? किसके पास? किसने तुम्हें हार दिया था? बोलो, मैं उसे ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। नहीं बताओगी? इंस्पेक्टर साहब, ले लीजिए इसे हिरासत में। क्या? ये लीजिए अपना हार, मुझे जाने दीजिए। नहीं रानी, अगर तुम नाम ना बताओगी तो मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। नादान ना बनो, तुम क्या मुसीबत में पड़ती हो, बता दो ना। मैंने कह दिया कि मैं नहीं बताऊंगी। नहीं बताओगी? नहीं। तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। शेखर बाबू,
नाम बता क्यों नहीं देती रानी? इंस्पेक्टर साहब, रानी को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं, यह हार मैंने नहीं दिया था। ओ, तो तुम थे? जी। तुम्हें यह हार चुराया था? जी हाँ। क्या आपने हार चुराया था? हाँ। क्यों, किस लिए? क्या आपने मेरे लिए चोरी की थी? नहीं रानी, तुम्हारे लिए नहीं। फिर क्यों? क्योंकि ये इनका पेशा है। क्या तुम नहीं जानती रानी, ये बहुत मशहूर चोर हैं, कई दफा की सजा आपका। झूठ, बिल्कुल झूठ। शेखर बाबू, ये क्या कह रहे हैं आप? क्यों नहीं कह रहे थे कि ये सब झूठ है? कहिए। क्या कहूँ रानी, मैं सचमुच बहुत बुरा आदमी, कई दफा तुमसे कहना चाहा लेकिन कह नहीं सका। ओह, और मैं समझती थी कि आप देवता हैं। हे भगवान, मुझे माफ करो रानी। आप यहां से चले जाइए, मैं आपका मुंह देखना नहीं चाहती, मैं आपसे नफरत करती हूँ। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो शरीफ बन के आप मुझे धोखा दे रहे थे? चलो शेखर, नेकी के रास्ते पर चलना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। कोशिश तो की थी इंस्पेक्टर साहब, लेकिन किस्मत के आगे ना चली। किस्मत, दो दिन है
के जो एक दिन हंसाए, एक दिन रुलाए, एक दिन हंसाए, एक दिन रुलाए, एक दिन हंसाए, एक दिन रुलाए। इंस्पेक्टर साहब, आपसे मेरी एक दरखास्त। कहो। अभी आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं वादा करता हूँ दो दिन के बाद जरूर लौटाऊंगा। क्यों, क्या करना चाहते हो? मुझे 1,500 रुपए का इंतजाम करना। किस लिए? क्या कीजिएगा जानकर। लेकिन इतनी बड़ी रकम तो मिलेगी कहाँ से? कहीं से भी हो मुझे इंतजाम करना ही है। इसके मानी हुए कि तुम चोरी भी कर सकते हो? जी हाँ, अगर जरूरत पड़ी। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये मेरी आखिरी चोरी होगी। क्या मतलब, आखिरी चोरी? जी। ओ, समझा। मालूम होता है ये सब उसी लड़की रानी की मोहब्बत का असर है, और ये रुपया भी उसी के लिए चाहिए। क्यों? शायद आप ठीक करें। तुम्हें जा सकता हूँ इंस्पेक्टर साहब? मुझे तुमसे हमदर्दी है शेखर, लेकिन मेरा फर्ज इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। मैं कह रहा हूं मैं दो दिन में जरूर आ जाऊंगा। मैं मजबूर हूं शेखर, तुम जानते ही हो मेरे हाथों में कानून की हथकड़ियां हैं। तो नहीं छोड़ सकते आप? रूठी रहोगी मेरी सरकार? हाय हाय, तुमको आता है प्यार पे गुस्सा, मुझको गुस्से पे प्यार। आया सरकार। शेखर आया था? जी नहीं तो, अब वो यहाँ नहीं आता सरकार। क्यों? कुछ ऐसे ही झगड़ा हो गया। कमीशन कम देने लगी होगी। नहीं सरकार, ये क्या कहते हैं, मैं सब कुछ बेचता हूँ पर धर्म ईमान नहीं। मैं जानता हूँ। देखो, अगर उसका कहीं पता चले तो मुझे फौरन खबर करना। अगर कहीं दिखा तो जरूर इत्तला कर दूंगा सरकार। नहीं तो याद रखो, तुम्हारी ये धर्म ईमान की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, समझे? जी जी, बंद की सरकार। मालिक भला करे। कुछ भी कहो मेरी सरकार, मैं तो आज जरूर आऊंगा। यार की गलियों में क्यों कर यार जाना छोड़ दे, किस तरह बुलबुल चमन से आशियाना। अबे अबे, कहां घुसा आता? ओ आप, अभी इंस्पेक्टर साहब आपको ढूंढने आए थे। मुझे मालूम है, लेकिन देखो मुझे 1,500 रुपए की सख्त जरूरत है, किस तरह दे सकते हो? अच्छा, तो सरकार रुपया मांगने आए हैं मुझसे, शर्म नहीं आती? देखो, तुमने मेरे जरिए 1,000 रुपए पैदा किए, ये रुपए तुम्हें देने ही पड़ेंगे। ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी है मेरे राजा, रानी के गले में मोतियों का हार तो डाल ही चुके हो, अब क्या हीरे का डालना है? तुम्हें इन बातों से क्या मतलब? बड़ी चंट लौंडियां निकली यार, तुम जैसे घाघ भी फिसल गए। चुप रहो। अरे अरे, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, रुपए देते हो या नहीं? अरे भाई छोड़ो, मेरे पास इतना रुपया कहाँ है, लो तुम खुद ही देख लो। अरे भाई, तुम्हें तो वो फन है कि पलक मारती 1,000 रुपए पैदा कर सकते हो, जाकर बाकी बाबू से क्यों नहीं मिलते, वहां तो पका पकाया मामला है। साला मेरा ही गला घोटता है। हेलो, पुलिस थाना। हे पार्टनर। अरे बाबा, बाबा बाबा, भूत भाग कर आ रहा हूँ।
वादा पूरा करने। क्या मतलब? आज रात को मौका देकर तिजोरी साफ कर दी जाए। सच? फिर पलट तो ना जाओगे? नहीं नहीं, बोलो तैयार हो? क्यों नहीं, जरूर। हाथ मिलाओ पार्टनर। रात को 3 बजे यही मिलना, हम सब ठीक कर रखेंगे। अच्छा, हमारा हिस्सा 50-50 रहेगा? हाँ हाँ, पहले माल तो हाथ लगे। ओके, रात को 3 बजे। ओके। नहीं नहीं लीला, ऐसा ना कहो, तुम रो क्यों रही हो? लीला लीला, मेरी बात तो सुनो। पहले वादा करो कि तुम नहीं जाओगे। ये कैसे मुमकिन है लीला? बाबूजी कभी ना मानेंगे, वो तो मेरे कॉलेज की फीस तक भिजवा चुके हैं। और मैं दिल्ली ही तो जा रहा हूँ, कोई विलायत तो नहीं। तो मुझे भी ले चलो अपने साथ। अभी नहीं लीला, मैं पहले वहां जाकर कोई नौकरी तलाश कर लूं, फिर मैं आऊंगा अच्छी अच्छी साड़ियां और गहने लेके, और अपनी लीला को दुल्हनिया बनाकर अपने साथ ले जाऊंगा। हैं? लो, अब तो हंस दो। लेकिन उससे पहले ही मैं और कुछ न बन जाऊं। क्या क्या लीला? मैं कैसे कहूं, हमारी शादी जल्दी न हुई तो मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी न रहूंगी। रो मत लीला, मैं जल्दी ही आने की कोशिश करूंगा। मोहन, किधर गया मोहन? जल्दी बुला लेना, गाड़ी का वक्त हो गया। मैं चलता हूँ लीला, मेरा इंतजार जरूर करना। मोहन, मोहन। कहती है लीला, बोल क्या बात है? तुम नाराज तो न होगी दीदी? अरे कह तो, घर से तो न निकाल दोगी? क्या भक्ति है पगली? दीदी, मान लो एक लड़की जिसका ब्याह न हुआ, और वो माँ। दीदी मैं कलंक की नहीं हूँ, मेरा गला घोट दो। लीला, नहीं नहीं, ये तो क्या कह रही है? मुझे माफ करो दीदी। लीला, मेरी लीला, ये तूने क्या किया? मुझे ये दिन भी देखना बदा था। मोहन को मालूम है, मैं उसे अभी बुलाती हूँ। वो तो आज बाहर चलेगी। बाहर चला गया? लीला, वो कहीं तुझे धोखा तो नहीं देगा? नहीं दीदी, वो ऐसा न करेंगे। कौन जाने इन पुरुषों का क्या भरोसा, इनका विश्वास करके हम अपने को मिटा देते और हमें मिलता है छल कपट धोखा। शेखर बाबू को ही देख, मैं उनको देवता समझती थी, उनकी पूजा करती थी, लेकिन वो नहीं। नहीं लीला, मोहन पर विश्वास करने से काम नहीं चलेगा। मैं इंद्रजीत चाचा से जाके सब बातें कहूंगी। शादी में देर ना होनी चाहिए। लेकिन दीदी, वो मुझ जैसी गरीब लड़की को अपने घर की बहू कभी ना बनाएंगे। कोई राह दिखाओ भगवान, मेरी बहन का जीवन नष्ट हो जाएगा, पिताजी भी छोड़कर चले गए और मैं अकेली। अगर मेरा पांव भी अच्छा होता, भगवान अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तेरे दुख के दिन फिरेंगे, ले दुआ मेरी लिए जा। तू जरा हिम्मत से जग में जिंदगी बनके जिए जा, जिंदगी बनके जिए जा, जिंदगी बनके जिए जा। एक प्यार
रेत एक प्याले में जहर एक प्याले में है अमृत एक प्याले में जहर जो तुझे मालिक पिलावे जो तुझे मालिक पिलावे पीने वाले तू पिए जा पीने वाले तू पिए जा जिंदगी बन हमें छोड़ दो हमें ऐसी दिल लगी पसंद नहीं अबे सीधे तरह चलता है या नहीं अरे अरे भाई हम बाल बच्चे दगाने हमारा बीवी बच्चे रोएंगे छोड़ दो यार सिगरेट पियो अरे चल सिगरेट वाले अरे आप लोग यहाँ क्या चोर को पकड़ लिया नहीं साहब वो तो कब का भाग गया चुप बे जनाब ये बाहर पहरा दे रहा चोर के भाई गिरा कट अजी क्या बकते हो चोर के भाई गिरा कट तुम चल थाने अरे बाप रे बचाइए हुजूर हम मर गए ठहरिए क्यों मैं भागे तू वहां क्या कर रहा था साहब हम चोर का पीछा कर रहे थे इन्होंने रोक लिया नहीं तो हम सातिया पकड़ लाते इस आदमी ने क्यों पकड़ लिया ये तो मेरा नौकर है आपका नौकर है जी हाँ जाइए चोर को तलाश कीजिए कहीं दूर न निकल जाए जी छोड़ो ऐसे चोर नहीं पकड़ा जाता है पहले चोरी करना सीखो अरे बड़े आए पुलिस की धूम यस सर क्या है सर वो लड़की रानी आपसे मिलना चाहती है अच्छा अच्छा बैठने को यस सर आप जाइए ना मैं तब तक इस जगह का मुआयना करता हूँ अच्छी बात चोर के इधर ही से कूद के भागा था जी हाँ कर ही था नहीं मैं लीला के साथ मोहन का ब्याह नहीं कर सकता लेकिन चाचा जी पिताजी पर गुस्सा हो के लीला की जिंदगी ना बिगाड़िए मैं आपके हाथ जोड़कर विनती करती हूँ वो हर तरह मोहन बाबू के योग्य है खाक है तुम लोगों के पास है क्या मोहन के ब्याह के लिए बड़े बड़े रईस मेरे दरवाजे के चक्कर लगाते हैं 10-15 हजार तक का दहेज देने को तैयार है दे सकते हो 10 हजार का दहेज
10,000? इतने रुपए मैं कहां से लाऊंगी? इससे मुझे कोई मतलब नहीं। इतने कठोर ना बनिए चाचा जी। पहले 10,000 इकट्ठे कर लो, तब ब्याह की बात चलाना। बस मैं आपके पैर पड़ती हूँ चाचा जी। हाय भगवान। आज को मेरा पैर अच्छा होता। लीजिए, चोर साहब तो कूद कर भाग गए, लेकिन ये निशानी यहाँ छोड़ गए। लॉकेट आप जानते हैं किसका है? जी हाँ, ये लॉकेट शेखर का है। अंदर की तस्वीर इसकी पहचान है। उसे रुपए की जरूरत थी, ये काम उसी का है। इंस्पेक्टर साहब, आप जितना इनाम कहे मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन चोर किसी तरह पकड़ना ही है, जितनी जल्दी हो सके। मैं पूरी कोशिश करूंगा। मेरी सरकार, अपना तो बुरा हाल है। देखा जो हुस्न यार, तबीयत मचल गई, आंखों का था कसूर झूरी दिल पे चल गई। चली नहीं, अब चलेगी। तुम यहाँ कैसे? अब समझते थे कि मैं बड़े घर की हवा खा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं भैया, मेरा मतलब ये नहीं था। तो आपने पुलिस को खबर की थी? कौन साला कहता है? कौन साला कहता है? चोर से कहो चोरी करो, साहूकार से कहो जागते रहो। माफ करो भैया, माफ करो, फिर कभी ऐसी गलती ना होगी। कमी ना कहीं का, फिर कभी ऐसा किया तो टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। नहीं नहीं, मैं कसम खाता हूँ। देख, अगर बांके आए तो उसे डॉक्टर महेंद्र के अस्पताल में भेज देना। अच्छा अच्छा। और अगर बांके की जगह वहां इंस्पेक्टर पहुंचा? अरे नहीं नहीं शेखर भैया। इंद्रजीत बाबू ने इनकार कर दिया बिटिया? हाँ पंडित जी, इनकार ही समझिए। कहते हैं 10,000 का दहेज दो तब शादी हो सकती है। मैं पहले ही जानता था इन माया के लोभियों के दिल पत्थर होते हैं। एक ही उपाय था, अगर मेरा पैर अच्छा हो जाता और मैं नाच सकती। खर्च मैं दे रहा हूँ, आपने कहा था करीब 1,500 रुपया लगेगा, ये लीजिए। आप दे रहे हैं, अच्छी बात है, जाइए ले आइए उस लड़की को। लेकिन डॉक्टर साहब, आप उसे ना बताइएगा कि रुपया मैंने दिया। क्यों? बात यह है कि वो दूसरे की मदद लेना नहीं चाहती। आई सी, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? आप उससे कह दीजिए इलाज आप कर देंगे, रुपया बाद में देती रहे। नहीं, उसे धोखा देना होगा। आप उसके कौन है? मैं जी कोई नहीं, सिर्फ उसे जानता हूँ और चाहता हूँ कि वो अच्छी हो जाए। नर्स? यस डॉक्टर। सुना, अजीब केस है। वेल वेल, मैं आपका रुपया नहीं ले सकता। डॉक्टर साहब, आपको तो इलाज से मतलब है, फीस चाहे कोई भी दे। अगर मैं उस लड़की की मदद करना चाहता हूँ तो आपको क्या एतराज? लेकिन आप क्यों उसकी मदद करना चाहते हैं? बात ये डॉक्टर साहब, मैं उसे चाहता हूँ कि अच्छी हो जाए। ओ आई सी, मैं समझा जी। तो मैं उस लड़की को भेज दूँ? हाँ हाँ, भेज दीजिए। हेलो पार्टनर। हाँ पार्टनर, जल्दी करो, कितना हाथ लगा? 1,500। बस इतने ही? इतने की जरूरत थी। क्या मतलब? हमारा सब करा धरा चौपट हो गया, पुलिस ने हैरान किया ऊपर से। अच्छा निकालो हमारा हिस्सा। चलो देते। कहाँ? थाने में। थाने में? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए इलाज कराने आए हो? नहीं पार्टनर, मेरी गिरफ्तारी पर 1,000 रुपए के नाम है, वो तुम्हें दिला दूंगा। अरे ये क्या बकते हो, बाढ़ में जाए ऐसा इनाम? वो 1,500 रुपए क्या हुए? वो तो मैंने डॉक्टर को दे दिए। डॉक्टर को? क्यों? रानी के इलाज के लिए। अब समझे, तभी तुम चोरी करने को राजी हो गए थे। खूब बनाया हमको, हम भी अजब बेवकूफ निकले। नहीं नहीं पार्टनर। कौन तुम्हारा पार्टनर? चुरी में जाए ऐसी पार्टनरशिप जो एक लड़की के पीछे फिस हो गई। अरे अरे, तुमको नाराज हो गए, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत थी। शर्म नहीं आती मदद मांगते? अब हमारा तुम्हारा कोई वादा नहीं। ये बात है? तो मैं थाने चला। अरे अरे, थाने क्यों जाते हो? मैं कहीं भी जाऊं तुमसे वास्ता। अजब मुसीबत है, चिप भी मेरी पट भी मेरी। अच्छा अच्छा कहो बाबा, क्या काम है? पहले वादा करो। हाँ कहो भी। देखो, रानी से जाके कह दो कि डॉक्टर महन ने इलाज के लिए बुलाया है और कहा है कि खर्च की फिक्र न करें। क्यों करूं, रुपया आप दे चुके हैं। अरे कहीं मेरा नाम नहीं ले देना। जी हाँ, मैं ऐसा गधा नहीं। हाँ देखो, थाने न जाना। नहीं पार्टनर, मैं ऐसा गधा नहीं।
अब तुम दो एक दिन में घर जा सकती हो, लेकिन कम से कम एक महीना तक इलाज जारी रखना। तो एक महीने के बाद मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा? हाँ हाँ, उम्मीद तो है। मैं नाच भी सकूंगी डॉक्टर साहब? वेल वेल, ये अभी कैसे कहा जा सकता है। अच्छा पार्टनर, तुम यहाँ चले आए? पुलिस ने देख लिया हो तो? नहीं नहीं, मैं छुप के आया हूँ। रानी का पैर कैसा? पहले से बहुत अच्छा है। पंडित जी, लीला। ये फूल क्या मेरे लिए लाए हो? अच्छा बांके भैया, तुमने कैसे जाना कि ये नरगिस मुझे बहुत पसंद है? हम क्या नहीं जानते, हम तो ये भी जानते हैं कि शेखर बाबू को तुम कितना चाहती हो। अच्छा रानी मान, अगर शेखर बाबू ये फूल लाते तो तुम ज्यादा खुश होती, नहीं? लाहौल मिला कुव्वत, देखने में इतना शरीफ लेकिन पक्का चोर। आपको कैसे पता चला कि वो यहाँ है? खुफिया पुलिस से। मैं जानता था वो रानी को देखने एक ना एक दिन यहाँ जरूर आएगा। आई सी, बदमाश कहीं का, कहीं भाग न जाए। आप इत्मीनान रखिए, मैंने चारों तरफ पुलिस लगा रखी है। आई सी। वो रहा शेखर। कब अच्छी तो हो? क्या चाहते हैं आप? कुछ नहीं, जाइए यहां से। जाता हूं। क्या बात है, ये शोर कैसा? कुछ नहीं, पुलिस मेरा पीछा कर रही। ठहरिए, उधर से ना जाइए। हो तब भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ जगह है? मैं तो समझता था तुम मुझसे सिर्फ नफरत ही करती हो। शिखर यहाँ आया था? किधर गया शेखर? शेखर ठहरो, नहीं तो गोली मार दूंगा। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब। क्या कहती हो रानी? भाग गया। जाओ पीछा करो, भागने ना पाए। ये तुमने बुरा किया, तुम्हारी वजह से आज वो फिर मेरे हाथ से भाग निकला। मैं अपनी आंखों से उनका खून होते कैसे देख सकती थी? मैं कहां उसे गोली मार रहा था, मैंने तो सिर्फ धमकी दी थी। गजब हो गया, इज्जत मिट्टी में मिल गई। मैं क्या जानता था कि ये रुपया चोरी का है? इंस्पेक्टर साहब, मेहरबानी करके ये रुपया इंद्रजीत बाबू को वापस कर दीजिए। कैसा रुपया डॉक्टर साहब? वो बदमाश शेखर 1500 रुपया तुम्हारे इलाज के लिए दे गया था। तभी आप इलाज करने पर राजी हो गए थे, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यही तो मेरी बेवकूफी हुई, उसने तुमसे कहने को मना कर दिया था।
डॉक्टर साहब, अब मैं आगे अपना इलाज ना कराऊंगी। वेल वेल, ये कैसे हो सकता है? जब मैंने तुम्हारा केस हाथ में लिया है तो इलाज पूरा करके रहूंगा। इंस्पेक्टर साहब, तो शेखर बाबू के बचने का कोई उपाय नहीं। मुझे अफसोस है रानी, उसने जो कुछ किया उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। रोती क्यों हो रानी बहन? बांके भैया, मैं कितनी बुरी हूँ। शेखर बाबू ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। मैंने उन्हें कितना बुरा भला कहा, कितना अपमान किया। हाँ हाँ, तो क्या हुआ? जब मिले तो इकट्ठी माफी मांग लेना। शेखर बाबू हीरा आदमी है, हीरा। लेकिन मैं क्या करूँ, जब सोचती हूँ कि वो चोर है तो अपने आप को संभाल नहीं सकती। मेरा दिल फट जाता है। लेकिन अब तो वो सुधर गए हैं। सच बांके भैया? हाँ, इसमें रत्ती भर शक नहीं। भगवान करे ऐसा ही हो। अब तो आंसू पूछ डालो। अरे पंडित जी। हाँ रानी, लीला यहाँ आई थी? नहीं तो क्यों, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या हुआ बताइए। क्या बताऊं, कल रात से लीला बिटिया का कुछ पता नहीं है। तुम्हारा नाम ये चिट्ठी उसके कमरे में पड़ी थी। लीला, लगा
बाबूजी, बाबूजी, यकाय कैसे चले? मुझे खबर नहीं दी जी, कुछ काम है। अच्छा चलो मैं आता हूं। कहिए कुछ सोचा जी? ये चाल ठीक रहेगी क्या? देखिए आप किसी तरह रानी को स्टेज पर एक बार फिर उतारिए। इससे क्या होगा? मेरा ख्याल है शेखर रानी को देखने के लिए थिएटर जरूर आएगा। यह आप दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? मैं शेखर को अच्छी तरह जानता हूं। वो रानी के लिए चलती हुई मोटर में से कूदकर भागा। उसके लिए आपके यहां चोरी की, अपने आप को खतरे में डालकर वो अस्पताल गया। वो रानी के लिए सब कुछ कर सकता है। आप रानी को स्टेज पर उतारकर देखिए तो वो जरूर आएगा। हाँ सुना है कि वो एक चिट्ठी रख गई है, उसमें लिखा है कि वो घर में रहकर कुल को कलंकित नहीं करना चाहती। ये सब मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से लीला की जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे कहां जाता है पागल लंबन, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। नहीं मां, 10,000 रुपए के लिए तुम लोगों ने एक बेकसूर लड़की की हत्या कर डाली। अब मैं इस मकान में एक मिनट नहीं ठहर सकता। बेटा मोहन, मोहन क्या बात है? मोहन घर से चला गया, रोकिए रोकिए उसे। मोहन चला गया क्यों? लीला की बात सुनकर पागल सा होकर घर से चला गया। कुछ कीजिए ना। क्या क्या है, अब घर में पैर ना रखेगा। रुपए के पीछे दूसरा लड़का भी खो दिया, रुपया हमारे किस काम आएगा? जाइए जाइए मेरे लड़के को वापस लाइए। रानी आप यहां? कहिए कैसे तकलीफ थी? ओ, देखो रानी तुमसे काम। मुझसे काम? कहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे थिएटर में तुम फिर काम शुरू कर दो। शुक्रिया, मैं आपके थिएटर में काम करना नहीं चाहती। देखो तुम जितने रुपए कहो मैं देने को तैयार हूं, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। ओ, तो आप मुझ पर दया करने आए हैं। माफ कीजिए, अब मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं। तुम जो मांगो मैं दे सकता हूँ, 1,000, 2,000, 4,000। आपको अपने पैसे का बहुत घमंड है, अब अगर आप मुझे 10,000 रुपया भी दे तो मैं काम न करूंगी। रुपए के लिए न सही, लेकिन मेरे कहने से तुम स्टेज पर बस एक ही दफा उतर जाओ, मुझ पर तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। एहसान? क्या गरीब भी अमीरों पर एहसान कर सकते हैं? नहीं आप जाइए यहाँ से, आपने मेरे पिता मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं आपके कोई बात नहीं सुनना चाहती। देखो अच्छी तरह सोच लो, मैं तुम्हारी हर शर्त मंजूर करने को तैयार हूँ। आप जा सकते हैं। अच्छा सुनिए, आप मेरी हर शर्त मानने को तैयार हैं? हाँ कहा तो। ठहरिए, गोविंद रक्षा कर। मंजूर है तो कर दीजिए इस पे दस्तखत। अच्छी बात है, तो तुम्हारा स्टेज पर उतरना तय रहा। जी
इंस्पेक्टर साहब। चलो शेखर, खेल खत्म हो गया। अरे शेखर बाबू, शेखर बाबू, लीला, लीला, मोहन, आदावर से इंस्पेक्टर साहब। आदावर से, पकड़ लो इसे। लेकिन हजूर, आपकी जूतियों की कसम, हमने तो कुछ भी नहीं किया। अभी मालूम हो जाएगा। आओ पार्टनर, एक साथ जेल के वक्त खाएंगे, 50-50 था ना। सचिंदर जी, ये रहे शेखर। मैंने कहा ना था आपसे, रानी को स्टेज पर देखने की जरूर आएंगे। जी। ओ, तो मुझे फंसने के लिए ये जाल बिछाया गया था। हाँ, इसके सिवा कोई चारा ना था। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी शायद तुम पूरी कर सको। मैं? वो कैसे? बताता हूँ। ये लॉकेट तुम्हारा है? जी हाँ। और ये अंदर की तस्वीर क्या तुम्हारी माँ की? क्यों जानना चाहते हैं आप? 20 साल हुए मेरा एक लड़का घर छोड़ के चला गया था, मैं उसका पता लगाना चाहता हूँ। ये उसकी माँ की तस्वीर है। उसकी माँ की तस्वीर? क्या नाम था उसका? मदन। मदन? हाँ बेटा, तुम ही हमारे मदन हो ना? जी। बोलो, बताओ बेटा। जी नहीं, आप लोग गलती कर रहे हैं, मैं आपका मदन नहीं। तुम मेरे मदन नहीं? ये तस्वीर तुम्हारी माँ की नहीं है? जी नहीं। फिर तुम्हारे पास कैसे आई? बहुत दिन हुए, लॉकेट मैंने चुराया था, इसी में ये तस्वीर थी। कहाँ, किसके यहाँ चुराया था? बताओ बेटा, हमें हमारे लड़के का पता मिल जाएगा। मुझे अफसोस है, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। कुछ भी याद नहीं है? जी नहीं, बहुत अरसा हुआ। ओह, अब मेरा मदन कभी ना मिलेगा। हाँ, हमारी आखिरी उम्मीद पर भी पानी फिर गया। चलिए इंस्पेक्टर साहब, आपको देर हो रही होगी। ठहरिए। मुबारक हो रानी, मुझे बड़ी खुशी तुम्हारा पैर अच्छा हो गया। जी शुक्रिया। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए। मिस्टर इंद्रजीत, ये दस्तखत आपके? जी हाँ। तो आप शेखर पर से केस उठा लेना चाहते हैं? जी, रानी ने स्टेज पर उतरने से पहले मुझसे वादा करवा लिया था। ये क्यों किया रानी? मेरी खुशी। चाचा जी, अभी आपको मेरी दो शर्तें और पूरी करनी है, लीला और मोहन का ब्याह और पिताजी के कर्जे की माफी। हाँ, मैं तुम्हारी सब शर्तें पूरी करूंगा। तुमने जो कुछ चाहा तुम्हें मिल गया, लेकिन मुझे मेरा लड़का ना मिला। इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दीजिए शेखर को। अच्छी बात। शेखर तुम आजाद हो। मिसेज इंद्रजीत, आपने अपने लड़के की एक और भी तो निशानी बताई थी। उसके हाथ में अपना नाम मदन गुदा हुआ था। मिस्टर एंड मिसेज इंद्रजीत, आप लोगों का मदन मिल गया। जी मिल गया। ये देखिए मदन। मदन? मदन। पिताजी। बेटा, 20 साल से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा कोई पता न मिला। अब भी तुम अपने आप को छिपा रहे थे। क्या अब तक बूढ़े बाप से नाराज हो? ये बात नहीं पिताजी, मैं एक चोर बदमाश, आपका लड़का कहलाने के लायक नहीं। ऐसा न कहो बेटा, औलाद अगर बिगड़ जाए तो इस मुस्का कसूर नहीं बल्कि उसके माँ बाप का है। बेटा, हमारे कारण न जाने तुम्हें कितने दुख उठाने पड़े होंगे। माँ। मदन। इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं? इसकी जरूरत नहीं मिस्टर इंद्रजीत, मुझे खुशी इस बात की है कि आपका लड़का आपको मिल गया और मेरी एक मुसीबत कम हो गई। हजूर, एक नहीं दो। क्या मतलब? आज से हमने भी छोड़ा उठाईगिरी का पेशा, अब शरीफों की जिंदगी बसर करेंगे। इरादा तो नेक है,
हाँ देखिए, इस केस के बारे में आपको एक लिखा हुआ बयान पेश करना होगा। अच्छी बात है। अच्छा तो मुझे इजाजत दीजिए। आदाब सर। आदाब। चल जी छोड़ो। छोड़ दो इसे। बेटी, तुम मेरे मदन की बहू बनोगी ना? यस सर। अरे हाँ बहू, मुझे अभी तुम्हारी दो शर्तें और पूरी करनी है। जी हाँ, कितना अच्छा होता अगर पिताजी लीला मोहन सब मिल जाते। वो मेरा जिम्मा, सुनना। बहू जरा ख्याल रखना, ये कहीं फिर ना भाग जाए। मैं तुम्हें सोपे जा रही हूँ। बोलो रानी, मेरी जिम्मेदारी लेती है? पार्टनर कहाँ चले तुम? अब हम यहाँ रहकर क्या करेंगे? तुम्हें तो हमसे भी अच्छा पार्टनर मिल गया है। रानी, तो तुम मदन की बहू बनोगी ना? क्यों, किसी और को चाहती हो? किसको? शेखर बाबू को। उस चोर लुटेरे बदमाश को? कभी होंगे, अब तो नहीं है। रानी कहाँ है ये लोग? पिताजी लीला। सब कीजिए। थैंक यू। क्या खा, फेंक दो? नो नो, आई मीन मेरा मतलब शुक्रिया, धन्यवाद। अरे मोहन बाबू कहाँ भाग चले? अरे छोड़ भाई। अरे मैं नहीं छोड़ू, भले जाने चलिए। हजूर हजूर। क्या हुआ पार्टनर? लीला दीदी, बहन कहाँ थी तू इतने दिन? बाबूजी के पास थी दीदी। बाबूजी के पास? कहाँ है बाबूजी? बेटी, बाबूजी मोहन। माँ। बेटा। रानी, तो मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई? हाँ चाचा जी। हाँ देखो, मेरा कर्जा चुकाने की सिर्फ एक ही सूरत है। क्या? रानी और लीला की शादी मेरे मदन मोहन से कर दो। सच? इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है? लेकिन क्या तुम्हारा मदन मिल गया? वो है शेखर। हाँ शेखर ही मेरा मदन है। दादा मोहन, हमने जो कुछ बिगाड़ा था हमारे बच्चों ने उसे सुधार दिया। हाँ गोविंद, तुम्हारी भी क्या माया है। सब कुछ किस्मत के खेल है पंडित जी। बाकी जगाड़ी ले जी। हजू